अयोध्या हमारी देश की शान, हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का अभिमान। अयोध्या को देखने हम सब जाना चाहते हैं क्योंकि अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है। तो आइए अब बात करते हैं अयोध्या के बारे में। अयोध्या हमारी पुरानी संस्कृति है, हम उसको कभी भी भूल नहीं सकते और हमारे देश की सबसे सुंदर नगरी भी कुछ सालों में बन जाएगी। 22 तारीख को जब इसका उद्घाटन होगा तो लगभग 6,000 पर्यटक दर्शन करने आने वाले हैं। अयोध्या का रंग रूप बदल चुका है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी अयोध्या गया था और अयोध्या पूरा बदल चुका है। श्री राम जन्मभूमि पूजन करते वक्त प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यहाँ इतने निवेश हो रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ सबको रोज़गार मिलने वाले हैं और बहुत सारे लोग अब काम भी कर रहे हैं। आइए आगे हम इसके फ़ायदे के बारे में बताते हैं। 37 विभाग लगे हैं इसको बनाने में, 30,000 करोड़ रुपए लगे हैं और 178 परिजनों का सहयोग है इसको बनाने में। इतने लोगों की मेहनत असफल तो जा नहीं सकती थी और अयोध्या में 500 साल बाद राम आए तो कुछ हो भी नहीं सकता था। 821 करोड़ रुपए लंबे, 2,200 मीटर चौड़े ये है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा जो अयोध्या धाम के पास बना हुआ है। इसको देखकर सब अच्छे से समझ नहीं आता और इसको 10 लाख यात्री को संभालने की इसकी क्षमता है। आप देख सकते हैं यह सुंदर अयोध्या को प्रकट करता है और यह राम मंदिर के तरह ही बाहर से भी दिखाने का प्रस्तंत है, अंदर से भी इसे हमारे रामायण काल और बहुत सारे कालों और वेदों का उल्लंघन और हस्तक्षेप किया गया है। तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अयोध्या राम जंक्शन रेलवे स्टेशन का। इसकी चन्ना चौंध तो पूरे भारत में CST से भी ज़्यादा है और इसमें यात्री और 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन को चलाया गया। तो आप देख सकते हैं अयोध्या राम पथ है और जन्मभूमि पथ है, भक्ति पथ है। आप देख सकते हैं सबका लाइन बन चुका है और सब एक रंग का है और अब अयोध्या में सब आ चुका है, बाजार, कॉलेज, मॉल सब, और अयोध्या पूरा बदल चुका है कुछ ही सालों में। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आपको बताते हैं अयोध्या में और क्या क्या बदला है। अयोध्या की घाटें अच्छे से रेनोवेट हो चुकी हैं और अच्छे से पुल वुल भी बना दिए गए हैं। उसके बाद अयोध्या के जितने भी पथ हैं, रानी पथ, तो वो सबको अच्छे से, और हनुमानगढ़ी को भी रेनोवेट किया गया है। हर जगह पानी की सुविधा की गई है, टॉयलेट बनवा दिए गए हैं, स्वच्छता कर दी गई है, 24 जल सुविधा भी करा गई है, हर चीज़ है मुफ्त। और शमशान घाट, मोती घाट, 33 पोका सुंदरी रक्षक, सब कुछ बना दिया गया है। पूरा अयोध्या दोस्तों बदल चुका है। बाय बाय दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो में और मैं आपसे इच्छा करता हूँ कि आप भी जाएंगे अयोध्या 22 तारीख को। जय श्री राम, जय श्री राम, बाय दोस्तों।